हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस चारा काटने वाले मोटर को रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिक्कत है इसके बारे में जान लेते हैं। इस मोटर में कस्टमर का यह शिकायत है कि यह मोटर लोड नहीं ले पा रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे, और कस्टमर का कहना है कि ये सिंगल फेस का मोटर था, इसको हमें डबल फेस बनाने के लिए बोला है। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, यह मोटर इसीलिए लोड नहीं ले पा रहा था क्योंकि इसकी स्पीड बन नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका कंडेंसर ख़राब हो गया था। इसके वजह से यह मोटर स्पीड नहीं बना पा रहा था, इस वजह से यह लोड नहीं ले पा रहा था। एक बार इसके बैक कवर को खोल के इसके बाइंडिंग को भी चेक कर लेते हैं, क्या बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्लच प्लेट और गवर्नर को भी चेक करेंगे टॉप कवर को खोल लेने के बाद। इसके बाद इसको सिंगल फेस से डबल फेस बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने इसके बैक कवर को खोल लिया है, बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके कनेक्शन को खोल रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि हमें इस सिंगल फेस मोटर को डबल फेस मोटर बनाना है, इस वजह से इसके कनेक्शन खोलना पड़ेगा। सिंगल फेस मोटर में पैरेलल कनेक्शन किया जाता है और डबल फेस मोटर में सीरीज कनेक्शन किया जाता है, जो कि केवल रनिंग वाइंडिंग में ही ऐसा होता है। बाकी सिंगल और डबल फेज दोनों में स्टार्टिंग का कनेक्शन सीरीज ही होता है। इसी तरह से हम अब इसके रनिंग के कनेक्शन को खोल लेंगे। इसके बाद पैरेलल कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बना लेंगे। इसके बाद हम इस मोटर को डबल फेज से चलाएंगे। अगर आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। इसी तरह से रनिंग के सभी कनेक्शन खोल के इसको सीरीज कनेक्शन करेंगे। इस तरह से हमने इसके सभी कनेक्शन को खोल के सीरीज कनेक्शन कर लिया है। यह है गवर्नर, जो कि इसमें दो स्प्रिंग लगे होते हैं। जब मोटर स्पीड 75% ले लेती है तो ये गवर्नर ऑटोमेटिक तरीके से अंदर की तरफ चला जाता है। इस तरह से और यह है क्लच प्लेट, जो कि एक स्विच की तरह होता है। जब ये ऑन रहता है तो दोनों तारों में सप्लाई पास होता है, और जब ये ऑफ रहता है तो सप्लाई कट कर देता है। इस तरह से इसमें पिन बने होते हैं। जब यह पुश रहता है तो ऑन रहता है, और जब ये नॉर्मल कंडीशन में आता है तो ऑफ हो जाता है। इस तरह से गवर्नर, जब टॉप कवर को लगाते हैं गवर्नर पर इसको दबा के, तो क्लच प्लेट ऑन रहता है, और जब गवर्नर 75% स्पीड मोटर ले लेती है तो ऑटोमेटिक तरीके से गवर्नर अंदर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट ऑफ पोजीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की सप्लाई कट कर देता है और मोटर रनिंग वाइंडिंग पर ही चलने लगता है। इसी तरह से क्लच प्लेट और गवर्नर का काम होता है।